कटक जिला आठगड़ा बनखंड में पुणी एक दंता हाथी मृत्यु घटी। आठगड़ बनांचल बड़भूं पंचायत गोपी बल्लभपुर मंडप मुंडिया एवं आठगड़ बांकी और अंशुपा जावा रास्त मात्र 200 मीटर दूर से आज सका एक गलित दंता हाथी मृत्युदेह ठाब हो। दंता हाथीटर बयस प्राय 4-5 वर्ष बोली जमापड़ी। घटनास्थल में आठगड़ वन कर्मचारी सेपटे हाथी मृत्युर कारण खोजुची वन विभाग। एसटीएफ टीम रो अधिकारी माने मेटाल डिटेक्टर साहाज्यरे हाथी मृत्युर तदंत चलाउछंती, किंतु हाथी मृत्यु घटना जदि देखा जाए तेबे वन विभाग रो रेंजर फॉरेस्टर क्षेत्र परिदर्शन करू नथिबारु एहारो फायदा शिकारी माने नेउछंती। बनखंड रे प्रतिवर्ष एक रु अधिक हाथी माने मृत्युबरण करथिबा बेले माफिया वन कर्मचारी को मधुचंद्रिका पाई विपुल मात्रे दामी काठ सह कोइला पत्थर अबाध जंगली जंतु शिकार हेउछि। अजोग्य अधिकारी जगू हाथी मृत्युर हब पलटि आठगड़। राज्य सरकार का हाथी गणना तालिकारु प्रतिवर्ष आठगड़ बनांचल रे गोटे गोटे हाथी संख्या कमी जाउथबा बेले विभागीय कार्यानुष्ठान अभावु आज हाथी मृत्युर हब पलटि आठगड़ बनखंड। कहा छत्रछाय तले काम करुछंती आठगड़े कार्य करुथबा रेंजर और फॉरेस्टर ताकु नै परिवेशविद्क सह साधारण रे क्षोभ प्रकाश करिसंती स्थानीय आदिवासी माने। सुकांत रावदु खुंटवाड़ा आठगड़ घर पंचायत खुंटवाड़ा। हाथी मूर्ति को लेकिन हाथी हूँ 4-5 दिन है मरी जाए। हाथी मरियार हूँ सन्देह कराए करेन्ट किसी करेन्ट मरी वन विभाग निका ना वन विभाग से आस बुलूस कि न बुलूस कि देखिकी सी न देखी लाभ अभिनय कर हाथी मोर साथी हूँ समस्ती पीठ से मरा हो कहीं तो जना पड़ूनि कि किसी बुलूना कौन चाहते चाहे कौन प्रशासन से जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी धर हाथी मला नुआ बंद किसी लोक नहीं सन्देह धर लोक धर ये लोक मैंने चाष कर चाषी की पचार कथा जे ना ये लोक हाथी मला कहीं किए ये निश्चित जानते हैं हाथी चाषी चाषी की नहीं भर्ती गला मैंने निश्चित जानवे जे ना ये लोकटा यही सी ना कहे कर्मचारी हाँ हवा कथा कहीं कहीं आसिक पेट्रोलिंग करूना बुलूना। मो नाम वासुदेव प्रधान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैंने जिते कहले भी सी जगुना ना तो टोटाल एरिया के आसुना से ही सकते हाथी मरसून आ कौन चाषी के क्षति हो डिपार्टमेंट ये किसी मैंने पदकेप नौनी आ कौन राज्य सरकार कोटी कोटी टाँग पाँच भाई खर्च कर हाथी सुरक्षा कि हाथी सुरक्षा फेल मार भाव निश्चित फेल मार बन विभाग से दायी। कटक रु प्रभात कुमार का रिपोर्ट सकाल खबर।